कब पार्किंग है? दोनों साइड पार्किंग का पर्ची लेता है वो, काटता ही है। ये आप लोगों को पता है कि 21 जुलाई से बंद है, को कैंसिल कर दिया गया है, फिर भी ये लोग काटते ही है। कैमरा देख के वो भाग गया पार्किंग वाला, जेब में मशीन रखा। केवल यहाँ के लिए फ्री है कि ग्रीन पार्क में भी फ्री है? जो जो एरिया में फ्री हुआ है वहाँ। ग्रीन पार्क में भी कई जगह पार्किंग वैध है और कई जगह वहाँ तो लठले का मारने के लिए तैयार होते हैं पार्किंग वाला। ठीक है, उसमें भी हम उसमें भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे। आप जब मैंने एक दिन पहले अभी यहाँ की बात हुई है, यहाँ यहाँ पे कितने की पर्ची काटते हैं? और हमारा तो सर, हम तो ऑटो चलाते हैं, कभी कभी यहाँ चाय वाय पीने के लिए रुकते हैं तो लगाते हैं, हमको कहता है हटा लो यहाँ पे, ये पार्किंग का 20 रुपये है एक कार का, दोनों साइड यहाँ से लेके वो HDFC बैंक से लेके NCC गेट से लेके इधर ये चाय की दुकान तक, यहाँ तक दोनों साइड पार्किंग होता है। वो पार्किंग वाले के पास मशीन था, अभी आपको देखा, आपने पूछा, वो भाग गया दुम दबा के उधर, इसलिए आप ये हमारी साइकिल लगा बगैर लेन देन से तो पार्किंग जब फ्री है तो चलेगा। ये मानते हैं कि इसमें प्रशासन की मिली भगत है? बिल्कुल मिली, MCD भी मिली भगत होगा, MCD, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सब। सर अभी पुलिस वाले को बुलाएंगे, पुलिस वाले तुरंत हम लोगों को मार के भगा लगाते हैं। जी जी जी, हमारी गाड़ी है। अच्छा, तो पार्किंग आपका पर्ची कटा? ये मंथली है सर, हमारी मंथली है। अच्छा, ये कितना पैसा लेते हैं मंथली? पता नहीं सर, मालिक को पता होगा हमारे। हाँ, एक गाड़ी के सर 2400 रुपये लेते हैं महीने। 2400 रुपये बता रहा हूँ, 2400 रुपये महीने का लेते हैं। ठीक है, अब आप अपने मालिक को जाके बताएंगे कि ये पार्किंग जो है कैंसिल हो गई है, यहाँ पे ये जो अभी पैसे ले रहे हैं ये गैर कानूनी है। ठीक है, बताएंगे आप? हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। जो पार्किंग है 21 जुलाई को खत्म हो गई। हाँ, कैंसिल नहीं, नहीं। अच्छा, उसके बाद भी यहाँ पार्किंग चलती है? पार्किंग चल रही है पर रोज कट रही है पर्ची। पार्किंग हो ही रही है, चल रही है पार्किंग, तो ऐसा है कि नहीं, पार्किंग बंदे भी लगे हुए। एक दुकानदार होने के नाते आप क्या मांग करते हैं, यहाँ पार्किंग होनी चाहिए या नहीं? देखो, ये दुकानदार जो है उसके लिए तो पार्किंग, फ्री पार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि वो दुकान लेके बैठा है तो पार्किंग देनी पड़ेगी। अगर ये पार्किंग फ्री एरिया हो तो आप मानते हैं कि आपकी दुकानदारी को? बिल्कुल 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 फर्क पड़ेगा। कस्टमर ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे। ठीक है, कस्टमर को टेंशन नहीं होगी कि पार्किंग। आप अपना नाम बताएं? पारस जिंदल। पारस जी, यहाँ का जो टेंडर है पार्किंग का, वो 21 जुलाई को कैंसिल हो गया, उसके बाद भी यहाँ पर पार्किंग चल रही है? बिल्कुल चल रही है, और रोज़ की पर घंटे के हिसाब से 40 रुपये 60 रुपये अपनी मर्जी से काट रहे हैं। बाकी इन्हें मना करो तो इनका कहना जी तो 24 घंटे की पार्किंग है। कल रात को भी हमने 1 बजे ये बंदे भाई साहब अभी खड़े थे, जिसका आपने इंटरव्यू लिया उसी को पकड़ा है, तो उनका कहना जी 60 रुपये घंटा है पार्किंग। और आपने जैसे, आपको पता है, हमें भी पता है कि अभी तो किसी के पास है ही नहीं टेंडर, तब भी पर्चियाँ कट रही हैं। अब आगे देखिए सिस्टम क्या करता है। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, मार्केट के हिसाब से तो यहाँ पार्किंग होनी ही नहीं चाहिए ना, सब दुकानदारों पे फर्क पड़ता है उस चीज़। छोटा सा मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट, कोई बंदा 10-20 रुपये का दूध लेने आ रहा है, वो पहले 40 रुपये थोड़ी दे देगा कि जी मैं पहले आपको 40 दूँ, 60 रुपये का आधा लीटर दूध थोड़ी लेगा बंदा। तो ये चीज़ हम कहते हैं सरकार से कि इसको यहाँ हटाना चाहिए। जो अवैध पार्किंग है न सिर्फ उसे ख़त्म करें बल्कि इस मार्केट को भी पार्किंग बिल्कुल। और ये चीज़ हमारे बड़े खड़े हैं, इन्होंने पहले भी कई बार बोला है, पर ये चीज़ कभी किसी ने सीरियसली ली नहीं है। यहाँ जिसकी मनमर्जी चलती है वो अपनी मनमर्जी से आके अपना टेंडर बताता है और पर्चियाँ काटने लग जाते हैं। पार्किंग चलाते हैं तो नहीं चला रहा हूँ बंदा, तो कल तो तू पर्चियाँ काट रहा है? कल काट रहे थे, मालिक ने अभी मना कर रखा है। अच्छा, आज के लिए मना किया? कौन है मालिक? अभी तो सर आज अजय नाम का करके कोई आया है। अच्छा, आज से मना किया है? हाँ जी, कब से आप काट रहे जी? मैं तो बहुत पहले से काट रहा था सर, आज से ये बंद हो गया है? आप बोल रहे हैं नहीं, ये 4-5 दिन पहले भी हुआ था कि बंद हो गया है पार्किंग। तो कल क्यों काटे? तो कल फिर ये बीच में बोला कि मेरा टेंडर हो गया है। अच्छा, तो अब हम पर्ची काट सकते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा यहाँ पे मार्केट में हुआ, जो पार्किंग के स्टाफ थे हमारे कैमरे के सामने पर्ची काट रहे थे, और जब हमारा कैमरा रूम हुआ तो भाग के चले गए, ऐसा क्यों? हाँ जी सर, जब हमारे कैमरे के सामने वो पर्ची काट रहे थे, हाँ हमने उनसे पूछा कि पर्ची दिखाओ तो भाग के चले गए, ऐसा क्यों?
तो ये तो चीज़ें आप ठेकेदारों लोगों से पूछो, हम तो लोग जी पर्ची काटने लेबर आदमी है। सही बात है, लेबर आदमी है तो मालिक से आप बात करिए सर। कितना पैसा लेते हैं गाड़ियों का पर्ची काटने का? 20 रुपये घंटे का सर। कल 40 ले रहा था। नहीं, 20 रुपये पर घंटे का जी ले रहा था। कल तो मैं इसके तो सर घंटों का लेता हूँ। तूने तो गाड़ी लगा पर्ची भी हमारे पास। हाँ मैं तो दिए नहीं, अभी हमारे पास कोई पर्ची नहीं, मशीन जमा हो गई हमारी सर। ऐसी शिकायतें लगातार आ रही है कि दिल्ली के अंदर बहुत जगह अवैध पार्किंग चल रही है, जिनमें बकायदा पर्ची काटी जा रही है और अनाप शनाप पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला है सफदरजंग एंक्लेव में, वहाँ मार्केट के पास जो लोगों की शिकायत है वो अवैध रूप से वहाँ पर लोग जो है पार्किंग के पैसे काट रहे हैं। जहाँ भी इस तरह की शिकायत आती है वहाँ तुरंत हम अपने विभाग के अधिकारियों को सूचित करके उनसे वहाँ पर जाँच करा कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। और सफदरजंग एन्क्लेव की भी हमारे जानकारी में संज्ञान में आप लोगों ने डाली है, तो निश्चित तौर पर वहाँ भी जाँच करा कर उस पार्किंग के अगर जो अवैध पार्किंग चल रही है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। सर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी देखने को आ रही हैं कि लगातार जो तय मानक के हिसाब से जो पैसे MCD ने जारी किए उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं पार्किंग। कई जगह ऐसी शिकायतें आती हैं और तुरंत तुरंत पे हमारा विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहिए।